इधर इधर खड़े रहना ना, अगेन फ्लाइट है, अगेन फ्लाइट है, इधर खड़े। हां मम्मी आज बंद है। हां आज बंद है ना, धूप आ गई। मैम इधर देखो, बंद है, बंद है। आप भी इधर देखो ना, हम मेरे तबीयत के बारे में नहीं है। मम्मी का तबीयत कैसे है? हां आज मम्मी कैसे हो? मम्मी तो मेरी कभी मैंने नहीं देखा कि कैंसर निकलने के बाद पहली बार मेरी माँ पूरे हॉस्पिटल में वॉक कर रही है, वो भी थर्ड डे पे। थर्ड डे पे वॉक कर रही है माँ, तो आईसीयू में थी। डिस्चार्ज दिया डॉक्टर? नहीं नहीं डिस्चार्ज नहीं। मेरे क्या मैं ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है ना, तो पार्ट निकाला है ना बॉडी से। अच्छे दिन जाएगा मतलब? हाँ वन वीक जाएगा शायद, पता नहीं। और मिस किया आएगा राखी जी आपको? हम लोग राखी जी हम आपको कल मिस किया, आप मिले नहीं ना। हाँ कल मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में, मम्मी आईसीयू में थी। आईसीयू में से फिर वो नॉर्मल रूम में लाते, तो मम्मी मेरी बहुत खुश है। पहली बार मम्मी के शक्ल पे हंसी थी और पहली बार माँ मेरी रोई नहीं, क्योंकि वो जो दर्द था ना कैंसर का वो निकल गया। परमेश्वर ईश्वर कभी किसी का कैंसर ना दे, कभी भी इस देश से कैंसर है ना निकल जाए, हे परमेश्वर इस कैंसर नाम की बीमारी इस देश से निकल जाए और ये कोरोना भी निकल जाए। बाकी जी अभी रिसेंटली इंडिया के डेट अच्छा हो गया। मैं बहुत शॉक, हिना हम सब आपके साथ है। हिना वी लव यू। आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स नहीं होते। मेरे डैडी को तो ट्रेन में हार्ट अटैक आया था। आई रिमेम्बर ट्रेन फास्ट ट्रेन चल रही थी और मेरे डैडी ड्यूटी पे थे और हार्ट अटैक आया था ट्रेन में। हिना वी लव यू, हिना हिना की मॉम वी ऑल लव यू। एंड परमेश्वर आपके डैड को एकदम हेवन में जगह देंगे, एकदम स्वर्ग में। ही इज़ इन हेवन, ही इज़ इन वही स्वर्ग में है। हिना वी लव यू हिना, गॉड ब्लेस यू हिना, आपको आपके मम्मी को सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, बाय राखी जी, बाय, सी यू, लव यू एवरी वन, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ। मैम आप भी सेफ रहिए। मैं देखो मेरा मास्क मेरे साथ, सेफ रहना कोरोना से। थोड़ा किसी की बात मत सुनो कि कोरोना नहीं है करके, कोरोना है और वो जल्दी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, बट आप सब लोग सेफ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।